सबसे पहले हम आपको रामधारी दिनकर जी की दो लाइन सुनाते हैं, उसके बाद खबर से रूबरू कराएंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ, दिनकर जी की लिखी यह लाइन राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर सटीक बैठ रही है, जो रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान पर इन दिनों जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं और संत महात्माओं के द्वारा गाली भी खाते दिख रहे हैं। वहीं उनके पार्टी के नेताओं ने उनसे अपना पीछा भी छुड़ाना शुरू कर दिया है। राजनीति में अपने आप को बड़ा खिलाड़ी मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को 2017 के चुनाव में ऐसा झटका मिला कि वह अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनके विवादित बयान को लेकर इन दिनों देश व प्रदेश में बवाल छिड़ा हुआ है। वहीं इस बयान पर अयोध्या के क्रांतिकारी वक्ता स्वामी बाल भरत महाराज ने आलोचना करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मूर्ख नेताओं को लोग पार्टी में क्यों जगह देते हैं, लोग इन्हें कैसे अपना नेता चुन लेते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा क्रांतिकारी वक्ता स्वामी बाल भरत महाराज ने। जय श्री हरि, जय श्री सीताराम। मैं स्वामी बाल भरत जी महाराज, क्रांतिकारी कथा व्यास, अयोध्या से। कुछ हमारे बंधुओं ने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य एक तथाकथित नेता है, जिन नेताओं को इस देश में बैन कर देना चाहिए। सनातन धर्म के हिंदू जनता इनको गली गलियारे में निकलने न दे, ऐसे बेवकूफ, ऐसे मंद बुद्ध, इनका थोफड़ा तो देखो, इनके बुद्धि में जो कचरा भरा हुआ है, हैं? इन्होंने अभी कहा, मैं तो ऐसे तुच्छ लोगों के बारे में बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये तो चाहते ही हैं कि इनके बारे में बोला जाए। ये इसीलिए गंदगी उगलते हैं अपने मुंह से कि लोग इनके बारे में बोलें, ये न्यूज चैनल पे बने रहें, ये समाज में बने रहें, इनकी चर्चा गली गली हो। तो इसलिए ऐसे दुष्ट, ऐसे महामंदबुद्ध और कुटिल तथाकथित नेताओं के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम कुत्ते भौंकते हैं, उनको कौन चिल्लाए कि तो ये भौंका भौंका। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे शुभचिंतकों ने हमसे कहा कि इस पर कुछ आप बोल के बताइए, बोलना भी चाहिए, क्योंकि कविकुल चूड़ामणि कलकुटिल जीव निस्तार हेत वाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता युग के महर्षि वाल्मीकि, कलयुग में जन जन तक राम कथा को पहुंचाने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अवतार धारण करके ग्राम में गिरा में ग्रामीण भाषा में लोक भाषा में श्री राम की कथा को लिखा। अब इस महामूर्ख को, कि डबल रोटी जैसे थोबड़े वाले को, इसकी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई है। ये जे वर्णाधम तेल कुम्हारा कोल किरात सपच कलवारा, गोस्वामी जी ने जो चौपाई लिखी उन्होंने कहा वर्ण में, मतलब जातियों में अधम। तो पहले तो इसको रामचरितमानस की भाषा में अधम शब्द का परिचय होना चाहिए, अधम शब्द का ज्ञान होना चाहिए। ये सब जितने ये तुच्छ नेता हैं, ये सब नकल करके पास हुए वाले लोग हैं, क्या समझ में मेरे नहीं आता है। साधारण शब्दों का भी, मतलब एक जो आम प्रचलित भाषा है, उन शब्दों का भी इन लोगों को ज्ञान नहीं है। गोस्वामी जी ने अधम शब्द और भी जगह तो लिखा है, कपिपत रीछ निशाचर राजा। स्वामी प्रसाद मौर्य, कान खोल कर दोनों सुन लो, कान में कोई दिक्कत है तो मशीन लगवा करके सुनो। कपिपत रीछ निशाचर राजा, कपिपत मैंने सुग्रीव जी को भी अधम शरीर कहा है। अंगदाद ये कीस समाजा, अंगद आदि को, अंगद ये जो प्रातः स्मरणीय लोग हैं, इनको भी अधम शरीर गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। बंदो तिनके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। तुम्हें पता नहीं है कि जो रामायण में जिनको अधम कहा गोस्वामी जी ने, उनको राम से मिला दिया, जितने अधम शरीर वाले थे इनकी वंदना की। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की इस कृति से अब उनके पार्टी वाले भी उन्हें आड़े हाथों लेते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से ना तो पार्टी का कोई मकसद है और ना तो किसी नेता का। यह बयान उनकी दिमाग की निजी सोच है। गोंडा की पूर्व समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि रामायण हिंदुस्तान के पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसका सम्मान सभी जाति धर्म के लोग करते हैं, उस पर टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय काम है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान उनका अपना निजी विचार है, वो समाजवादी पार्टी का न विचार है न सोच है, और न समाजवादी पार्टी इस बारे में किसी तरह के सामाजिक विद्वेष को कभी भी आगे बढ़ाती है। हमारी पार्टी लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा जी, आचार्य नरेंद्र देव और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच पर चलने वाली पार्टी है, तो उस पार्टी में समरसता की बात है।
और उसमें किसी भी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं पर चोट देने की बात, किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? क्यों समाजवादी नेताओं द्वारा सफाई दी जा रही है? कैसे अब उनका निजी बयान हो गया? देश के पवित्र ग्रंथ पर टीका टिप्पणी करने वाले ऐसे मूर्ख नेताओं को पार्टी में रखना अपनी लुटिया दुबाने के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11, उत्तर प्रदेश।